दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस संगीतकार की जिनके लिए एक जुमला प्रयोग में लाया जाता था, और वो जुमला ये होता था कि फिल्म निर्माता निर्देशक कहते थे कि जिसने भी उस दौर में इस संगीतकार के साथ काम नहीं किया तो फिर उसने कुछ काम ही नहीं किया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो संगीतकार थे जो इराकी पुलिस दल में शामिल थे। वैसे तो ये संगीतकार एक फौजी थे लेकिन उनका मन संगीत में रमा था। लेकिन उन्होंने अपने फौज के अनुशासन को अपने संगीत में भी कायम रखा। फिर क्या हुआ? ऐसा अनुशासन की साजिंदों द्वारा सुर में न बजाने पर वो आक्रोशित हो जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, इस संगीतकार को 70 के दशक में गजलों और सुरीले धुनों का बादशाह कहा करते थे। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। संगीत में तो उनका रग रग बसा हुआ था। उनके संगीत में करुणा और विछोह का भाव मिलता है। उनके संगीत में समाज की झलकियां मिलती हैं। और दोस्तों क्या ये बात आपको पचेगी कि जिस संगीतकार के साथ लता मंगेशकर ने अपने जीवन के बेहतरीन गीतों को अंजाम दिया, उन्होंने शुरुआती दौर में इस संगीतकार से ये मानकर किनारा कर लिया था कि वो एक बिगड़ैल सहजादे हैं, लेकिन बाद में अपने सबसे प्यारे भाई की तरह उन्हें मानने लगी। कैसे कैसे गाने मैंने आपके साथ गाए हैं। और दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि हिंदी सिनेमा के ये पहले संगीतकार हैं जिन्होंने अपनी मौत के 29 साल बाद भी हिंदी सिनेमा में संगीत दिए। तब उनके संगीत को उनकी छोटी बहन ने अपनी आवाज दी थी। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए। लेकिन क्यों चमत्कारिक धुनों के बादशाह कहे जाने वाले इस संगीतकार को किसी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया? आखिर क्यों ये संगीतकार अपने ही घर में चोरों की तरह घुसते थे? आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान। और दोस्तों सबसे एक दिलचस्प बात है कि इसी संगीतकार की एक धुन सुनने के बाद नौशाद साहब ने अपने संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार थे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन की। समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। जिन्हें गजलों का बादशाह कहा जाता है, लग जा गले के फिर हसी रात हो। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों संगीतकार मदन मोहन का जन्म 25 जून 1924 को इराक के बगदाद में हुआ था। परिवार ने प्यार से नाम रखा मदन।
जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल के रूप में काम कर रहे थे। इनका पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक 5 साल बगदाद में ही बिताए। इराक जब ब्रिटिश राज से आजाद हुआ तो साल 1932 में राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली वापस भारत आ गए। राय बहादुर साहब का पूरा परिवार अपने घर चकवाल में रहने लगे, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले में स्थित है। चुन्नीलाल साहब ने बेशुमार दौलत इकट्ठा की थी और वो इसे किसी अच्छी जगह निवेश करना चाहते थे, इसलिए व्यवसाय के लिए मुंबई पहुंच गए, जो उस समय भी देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती थी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री तेजी से उभर रहा था दोस्तों, और राय बहादुर चुन्नीलाल साहब ने इसमें अपना पैसा निवेश करना उचित समझा। उन्होंने तब की सबसे बड़ी कंपनी बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो में हिस्सेदारी खरीद ली। दोस्तों, मदन मोहन की प्रारंभिक शिक्षा पाकिस्तान के झेलम में हुई थी और स्कूली दिनों में वो अपने करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत सीखने का मन बनाया। हालांकि उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा कभी नहीं ली। मदन मोहन साहब ने प्राइमरी स्कूल खत्म करने के बाद पढ़ाई के लिए बम्बई पहुँच गए। बम्बई में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रम में परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 11 साल थी। घर में फिल्मी माहौल था, इसलिए मदन मोहन बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनके पिता सख्त खिलाफ थे। बहुजी तुम्हारी तमन्ना है क्या? नहीं चाहिए कुछ तुम्हारे सिवा। दोस्तों, मदन मोहन साहब के बचपन के दिनों का एक वाक्य बहुत ही खूब प्रचलित है। मदन मोहन के पिता मुंबई में मरीन लाइंस में रहा करते थे। वहीं बगल में कोठी नरगिस की मां जगदनबाई की थी। मदन मोहन साहब जब भी बंबई घूमने आते थे तो उनका संगीत प्रेम उन्हें वहां खींच लाता था। जब मदन मोहन साहब के पिता सो जाते थे तो रोज रात को चुपचाप घर से निकल जाते थे मदन मोहन साहब, और पड़ोस की संगीत की महफिल में शामिल हो जाते थे। दोस्तों, ये संगीत की महफिल पड़ोस में जगदनबाई के घर पर लगती थी। हम चल रहे हैं, मगर दुनिया वालों के दिल चल रहे हैं। मदन मोहन जगदनबाई की महफिल का लुत्फ उठाकर वापस घर लौटते थे तो अपने घर में चोरों की तरह घुसते थे। मदन मोहन साहब पिता के डर से घर के पीछे वाले दरवाजे से दाखिल होते थे और चुपचाप अपने कमरे में सो जाते थे। दोस्तों, ये सिलसिला लंबे समय तक चला, लेकिन कभी भी परिवार वालों की इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी दौरान मदन मोहन साहब की दोस्ती नरगिस से भी हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? दोस्तों, साल 1943 में पिता के कहने पर मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन कर दी। उनकी शुरुआती ट्रेनिंग देहरादून में हुई और कुछ समय के बाद उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। दोस्तों, 2 साल बाद मदन मोहन साहब का नौकरी से मन चट गया और पहला मौका मिलते ही उन्होंने फौज की नौकरी छोड़ दी और संगीत की दुनिया में कूद पड़े। अधूरा हूं मैं अफसाना। दोस्तों, साल 1946 में मदन मोहन साहब का चयन ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ केंद्र में हो गया। और दोस्तों, इन्हीं दिनों आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए मदन मोहन साहब संगीत तैयार करने लगे। उन कार्यक्रमों का संगीत तैयार करते करते मदन मोहन साहब को संगीत का ज्ञान हुआ और साथ ही इसके बोनस में संगीत जगत से जुड़े कई संगीतकारों के संपर्क में भी आए, जिसमें उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली, अकबर खान, गजल गायिका बेगम अख्तर साहिबा और तलत महमूद जैसी जानी मानी हस्तियां। इसी कालखंड में इन्हीं हस्तियों के साथ इनकी मुलाकात हुई। गजल गायिका बेगम अख्तर और बरकत अली साहब का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। पिता ने बेटे को संगीत में अपना करियर बनाने की अनुमति दे दी। फिर क्या था, अपने सपनों को नया रूप देने के लिए मदन मोहन साहब लखनऊ से बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद मदन मोहन साहब की मुलाकात एसडी बर्मन, श्याम सुंदर और सी रामचंद्र जैसे प्रसिद्ध संगीतकार के साथ बतौर सहायक काम करने लगे। 40 के दशक के अंत में देवेंद्र गोयल फिल्म आंखें बना रहे थे, जो साल 1950 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, फिल्म में मदन मोहन को बतौर संगीतकार काम करने का पहला मौका मिला और इस फिल्म का गाना हमसे नैन मिलाना सुपरहिट रहा। इस फिल्म की सफलता के चलते मदन मोहन साहब फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। मैं किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं जा सकी,
मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए। फिल्म आंखें के गाने मोहम्मद रफी साहब और शमशाद बेगम और मीना कपूर ने गाए थे। हालांकि वो लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। दरअसल लता जी ने शुरुआत में सोचा कि मदन मोहन एक अमीर पिता के बिगड़ी हुई संतान है और अपना शौक पूरा करने के लिए संगीतकार बनने का स्वांग रचा रहे हैं। लेकिन जब वो मदन मोहन जी की शख्सियत से वाकिफ हुई तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ और लगे हाथ लता जी मदन मोहन साहब की फैन हो गईं। दोस्तों, यतीन्द्र नाथ मिश्र की किताब लता सुर गाथा के एक पन्ने में इस कहानी का जिक्र है। दरअसल लता जी ने मदन मोहन साहब के साथ अपने रिश्तों की कहानी सुनाते हुए बताया था कि एक बार मदन मोहन साहब लता जी के घर पहुंचे जिस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता नहीं थी। फिर वो लता जी को घर ले आए और कहा, आज राखी है और ये लो राखी, मेरी कलाई पर बांध दो। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारा मदन भैया। आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाना गाओगी। मदन मोहन साहब लता जी से ही अपनी हर फिल्म में गाने गाने की गुजारिश किया करते थे। लता मंगेशकर भी मदन साहब को गजलों का शहजादा कहकर बुलाते थी और ये गजलों का शहजादा नाम लता जी का ही दिया हुआ है। उसके बाद मदन मोहन साहब को एक के बाद एक फिल्में मिलती रहीं। साल 1950 के दशक के शुरुआत में मदन मोहन साहब ने करीब दर्जन भर फिल्मों में संगीत दिया जो बेहद लोकप्रिय हुए। इनमें से साल 1951 में आई फिल्म अदा और मदहोश, साल 1952 में आई खूबसूरत और आशियाना, साल 1953 में आई फिल्म धुन और बागी, साल 1955 में रिलीज हुई रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी फिल्मों ने मदन मोहन साहब को एक प्रतिष्ठित संगीतकार बना दिया। फिर तो वो एक साल में कई कई फिल्मों में संगीत देने लगे। साल 1956 की बात करें तो मेम साहब, 50-50, भाई भाई और पॉकेट मार। साल 1957 में फिल्म शेरू, समंदर, गेटवे ऑफ इंडिया, देख कबीरा रोया आदि फिल्मों के गीतों के जरिए वो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा चुके थे। दोस्तों, साल 1958 में चंदन, खजांची, अदालत, जेलर, नाइट क्लब जैसी फिल्मों के संगीत ने धूम मचा दी। इसी साल आई उनकी एक और बेहतरीन फिल्म आखिरी दाव में रफी साहब के गाए गीत तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तेरे सामने मेरा हाल है तो आज भी लोगों की जुबान पर है। दोस्तों, 1960 में मदन मोहन साहब ने राजा मेहंदी अली साहब के साथ काम करने लगे। उनके साथ उन्होंने कुछ रोमानी गीतों की रचना की जिसमें साल 1960 में फिल्म बहाना, साल 1961 में फिल्म सेनापति के गाने श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। साल 1962 की बात करें तो एक फिल्म आई अनपढ़ जिसके संगीत ने दुनिया को एक नए सुर से रूबरू कराया। संगीत की दुनिया को मदन मोहन के रूप में गजलों का बेताज बादशाह मिल चुका था। ये किस्सा भी खूब है दोस्तों कि उसी फिल्म का ये गीत आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे से संगीत सम्राट नौशाद साहब इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने मदन मोहन साहब से इस धुन के बदले अपने संगीत का पूरा खजाना लुटाने के लिए इच्छा जाहिर कर दी थी। दोस्तों, मदन मोहन साहब ने तीन दशकों में इतने दर्जन भर अधिक फिल्मों में अपना संगीत दिया। मदन मोहन साहब के पसंदीदा गीतकार की बात करें तो वो राजा मेहंदी अली खान साहब, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी का नाम सबसे पहले आता है। साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी ने भी इनके साथ कुछ फिल्मों में काम अवश्य किया था। दोस्तों, एक दूसरा विषय आता है कि मदन मोहन साहब ने किशोर कुमार से ज्यादा गाने नहीं गवाए, लेकिन साल 1962 में आई फिल्म मन मौजी में किशोर दा का गाना जरूरत है, जरूरत है श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की जरूरत। इस गाने ने उस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दोस्तों, यूं तो मदन मोहन साहब का संगीत परवान चढ़ रहा था, लेकिन मदन मोहन साहब को कभी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा नहीं गया। हालांकि मदन मोहन साहब को इस बात की कभी फिक्र नहीं रही। जब साल 1964 में उनकी फिल्म वो कौन थी, उस फिल्म के गाने उस जमाने के हर प्रेमी दिल के लिए
एक आइकॉनिक सॉन्ग था। उस साल मदन मोहन साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिला। साल 1965 में आई रफी साहब की आवाज से सजा ये गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों आज भी श्रोताओं में देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है। दोस्तों, मदन मोहन साहब के संगीत निर्देशन में आशा भोसले ने भी 1966 में आई फिल्म मेरा साया के लिए गाया था। इस फिल्म का गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इस गीत ने उस समय तहलका मचा दिया था जिसे सुनकर श्रोता भी झूम उठते थे। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। दोस्तों, मदन मोहन साहब का एक संगीतकार के रूप में करियर का ग्राफ काफी हाई हो रहा था, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें वो मुकाम नहीं मिल रहा था जिसका सपना उन्होंने देखा था। मदन मोहन साहब अब अंदर ही अंदर घुलते जाने लगे थे, क्योंकि पहले उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती थी, लेकिन दोस्तों यहां से उनकी फिक्र शुरू होती है। बाद के वर्षों में मदन मोहन साहब ने शराब पीना शुरू कर दिया। ये कहना गलत होगा कि शायद इसी वजह से, लेकिन उन्होंने पीना शुरू कर दिया। शराब से छुटकारा पाने के लिए मदन मोहन साहब की माँ ने शीला जी से उनकी शादी करा दी। दोस्तों, एक दिलचस्प बात है कि मदन मोहन साहब सुरैया और राज कपूर साहब बचपन के दोस्त थे, लेकिन इन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। दोस्ती तो अच्छी रही, लेकिन मदन मोहन साहब ने राज कपूर के किसी भी फिल्म में संगीत नहीं दिया और ना ही सुरैया से किसी गाने में उनकी आवाज ली। एक किस्सा बहुत ही प्रचलित है। मदन मोहन साहब साहिब साहब के साथ काम करने में सहज महसूस नहीं करते थे, और वो ऐसे कि साल 1976 में आई फिल्म लैला मजनू के लिए संगीत देने में उन्होंने देरी भी कर दी थी। हालांकि निर्देशक हरनाम सिंह रवैल के खास अनुरोध पर उन्होंने इस फिल्म के लिए साहिर के लिखे गीतों को संगीत दिया। लेकिन दोस्तों, वो किस्सा ये है कि साल 1975 में जब ऋषि कपूर और रंजीता की फिल्म लैला मजनू बन रही थी, तब गायक के रूप में किशोर दा का नाम आया, परंतु मदन मोहन साहब ने यह साफ कह दिया कि पर्दे पर मजनू की आवाज तो रफी साहब की ही होगी, और अपने पसंदीदा गायक रफी साहब से ही गवाया। और दोस्तों, सबको पता है कि लैला मजनू एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई। तेरा नाम जमीन पर उसको सजदे करता है। दोस्तों, यहाँ ओपी नैयर साहब का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में लता जी से एक भी गाना नहीं गवाया, लेकिन ओपी नैयर साहब ने लता जी और मदन मोहन साहब की जोड़ी की बहुत प्रशंसा की। उनका कहना था कि मैं नहीं जानता कि लता मंगेशकर मदन मोहन के लिए बनी है या मदन मोहन लता मंगेशकर के लिए, लेकिन अब तक न तो मदन मोहन जैसा संगीतकार हुआ और न ही लता जैसी गायिका। दोस्तों, आशा जी का मदन मोहन साहब से अक्सर एक शिकायत रहती थी, और वो शिकायत ये थी कि आप अपनी हर फिल्म के लिए लता जी से ही क्यों गवाते हैं। इस पर मदन मोहन साहब ने कहा कि जब तक लता जिंदा है, मेरी फिल्मों के लिए गाने वही गाएगी। वैसे कई फिल्मों में मदन मोहन साहब ने आशा भोसले जी से भी बेहतरीन नगमे गवाए। साल 1967 में आई फिल्म नौनिहाल। दोस्तों, साल 1970 में आई फिल्म दस्तक, जो मदन मोहन साहब के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई। जो काम फिल्म फेयर अवार्ड ने नहीं किया, वो काम राष्ट्रीय पुरस्कार ने कर दिया। साल 1970 में इस फिल्म के लिए मदन मोहन साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दोस्तों, साल 1972 में फिल्म परवाना और साल 1973 में फिल्म हस्ते जख्म मदन मोहन साहब के जीवन की सबसे अनोखी रचनाओं में से एक है। अपने मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं के दिलों में खास जगह बना लेने वाले इस सुरीले संगीतकार ने 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और मदन मोहन साहब के निधन के बाद उनके संगीत से रची हुई बहुत सी फिल्में रिलीज हुई दोस्तों, जिसमें मौसम, लैला मजनू जैसी फिल्में थीं। जिनके संगीत का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। दोस्तों, मदन मोहन साहब के बेटे संजीव कोहली ने अपने पिता की बिना इस्तेमाल की हुई कई धुनें यश चोपड़ा जी को सुनाई थी, जिसमें से साल 2004 में आई फिल्म वीर जारा में, जिसमें मदन मोहन साहब के 8 कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया।
इस फिल्म के सारे गाने हिट थे और लता मंगेशकर जी ने सारे गाने गाए थे। जो कि मेरी पिक्चर में बहुत बहुत फिट बैठती है। क्या कहूं, दुनिया ने किया। मेरी इतनी डिफरेंट सिचुएशन है, दर्द भी है। रोमांटिक भी है। जानम देख लो मिट गई दूरियां। देश के गाने भी हैं। हर ती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। कवाली भी है। पर दीवाना आया तेरे दर पर। लोड़ी भी है। ओए 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 ओए, तेरे कुर्बान जामा, तेरी मर्जी जान जामा। उस संयोग की बात है कि भगवान ने इतने मेरे लिए रखी थी। ये हम आ गए हैं कहां। 30 साल के बाद आपका म्यूजिक लता दीदी की आवाज का मिश्रण एक इतिहास है। भावना कैसी भी हो वो हमेशा ताजा रहती है, उसे वक्त और जमाना कैद नहीं कर सकता। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। रोक न पाए कोई, रोक न पाए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। हर बार की तरह भाई बहन की इस जोड़ी ने कालजयी गीतों की एक बार फिर से रचना कर डाली। मदन मोहन साहब के मौत के बाद भी लता जी ने उनका वादा निभाया। आज मदन मोहन साहब और लता जी दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपने संगीत के माध्यम से हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। संगीतकार मदन मोहन साहब को हमारा सलाम। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।